महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम बुद्ध और उनके धम्म की बात कर रहे हैं, तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे, क्योंकि हमारा चौथा खंड चल रहा है, चौथे खंड के भी तीसरे भाग की बात कर रहे हैं कि बौद्ध जीवन मार्ग, और उसके भी हम नौवे अध्याय की आज हम बात करेंगे, जिसका टाइटल है सतर्कता, उत्सुकता और साहस। आज का जो हमारा विषय है वो यही है। तो इसमें तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य बुद्धिमान होते हैं वो अविद्या को दूर करके प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़कर जो शोक ग्रस्त जो मानव जाति है उसको उसी प्रकार देखते हैं जिस प्रकार से एक बुद्धिमान व्यक्ति एक पर्वत से घाटी में, नीचे जो घाटी में जो मूर्ख लोग होते हैं वो देखते हैं, इसी बिल्कुल वैसे ही वो बुद्धिमान व्यक्ति एक पर्वत से नीचे घाटी के लोगों को देखता है। तो तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जो लोग अप्रमादी होते हैं, यानी कि प्रमादियों के बीच अप्रमादी और मूर्खों के बीच या सोते हुओं के बीच जो जागरूक जो मनुष्य होता है वो ऐसे ही आगे बढ़ जाता है जैसे कि एक शीघ्रगामी जो घोड़ा होता है, अश्व होता है, वो एक दुर्बल अश्व को या दुर्बल घोड़े को पछाड़ कर आगे बढ़ जाता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी या जागरूक व्यक्ति भी ऐसे ही आगे बढ़ जाता है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि प्रमादी मत रहो और काम भोगों में मत फंसो, क्योंकि जो व्यक्ति अप्रमादी होते हैं वही ध्यान लाभ को प्राप्त करते हैं। और वो आगे ये भी कहते हैं कि अपने जो आपके जो जीवन का जो लक्ष्य है या जीवन का जो उद्देश्य है उसको किसी बड़े अर्थ के लिए भी मत छोड़ो, अपने उद्देश्य को बड़े कड़े तरीके से पकड़कर उसको दृढ़ता पूर्वक अपने उद्देश्य को पूरा करो। तथागत आगे कहते हैं कि प्रमादी मत रहो और काम भोगों में मत फंसो, क्योंकि जो व्यक्ति अप्रमादी होते हैं, जो काम भोगों में नहीं फंसते, जो प्रमादी में नहीं फंसते, जो प्रमादी नहीं होते, वही लोग आगे बढ़ते हैं, वही लोग जीवन में सुख प्राप्त करते हैं। क्योंकि तथागत बुद्ध ये कहते हैं कि जो जो अप्रमादी है, जो अप्रमाद है वो निर्वाण पर है, और जो प्रमादी है वो मृत्यु के समान है। इसलिए जो अप्रमादी होते हैं वो मरकर भी नहीं मरते, लेकिन जो प्रमादी होते हैं वो हमेशा मरे के समान रहते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि प्रमादी मत रहो और काम भोगों में मत फंसो। तथागत कहते हैं कि सत्य के पथ पर चलो, और जो मनुष्य सत्य के पथ पर चलता है या सत्य के साथ सत्य को साथ लेकर चलता है वही संसार में सुख को प्राप्त करता है। क्योंकि जो लोग प्रमादी होते हैं, यानी कि जो मनुष्य प्रमादी एक काला धब्बा है, एक कलंक है, और निरंतर प्रयास अगर हम करें, निरंतर मनुष्य अगर प्रयास करे और प्रज्ञा का सहारा ले, तो वो प्रमादी रूपी विषैले तीर को निकाल कर बाहर कर सकता है। क्योंकि जो प्रमाद है वो हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में विषैले तीर की भांति लगा हुआ है, और उसको प्रज्ञा की सहायता से हम बाहर कर सकते हैं, यानी कि बुद्धि की सहायता से हम उसको बाहर कर सकते हैं। तथागत कहते हैं कि प्रमादी मत रहो, काम भोगों में मत फंसो, क्योंकि जो मनुष्य अप्रमादी होते हैं वही ध्यान और ध्यान में रहते हुए संसार में असीम सुख को प्राप्त करते हैं। इसीलिए तथागत कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलो,
सबको साथ लेकर चलो, सबसे करुणा मैत्री का भाव रखो, अपने मन को संयत रखो, काम भोगों से दूर रहो। और जिस भी जो जागरूक लोग जो होते हैं, जो बुद्धिमान जो लोग होते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ सकते हैं, उनका संसार में यश उनको प्राप्त होता है। लेकिन हमको किसी भी हालत में प्रमादी नहीं बनना है, काम भोगों से हमको दूर रहना है। ये तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हैं और यही उन्होंने इस संसार को मार्ग बताया। बौद्ध जीवन मार्ग उन्होंने यही बताया कि हर मनुष्य को अपने मन को संयत रखना चाहिए, उसके मन में करुणा मैत्री होनी चाहिए, वो हमेशा अविद्या को दूर करके प्रज्ञा के बल पर वो आगे बढ़ना चाहिए। और जागरूक और बुद्धिमान व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है, उसको ही संसार में सब जो सुख है उसको प्राप्त होता है। तो ऐसा तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो भी यही समाप्त होता है एक नए अध्याय के साथ। SM न्यूज पर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सके आपके सबसे पहले।